Now next C program, how to creating one dimensional array using malloc function or using calloc function by following dynamic memory allocation process. Means अभी तक previous session में during array concept जो discuss किया था, सारे के सारे array create किए थे by using static dynamic memory allocation. इसके इसमें just array create कराएं by using malloc functions. जैसा कि आपको पता है malloc के केस में array का size runtime पर read करना possible है, block का size runtime पर read करना possible है. Array के केस में आपने देखा था array के केस में memory allocation performed in the form of block of bytes. Same as malloc function के through भी allocation किस form होता है block of bytes और we can say some buffer. इस केस में जैसे मैंने कोड प्रोवाइड किया जैसा कि मैंने एरे के केस में डिस्कस किया था एरे के केस में इस गिवन फंक्शंस के थ्रू गिवन लॉजिक्स के थ्रू जो भी आप एरे का एड्रेस पास करो उस एरे के एलिमेंट्स के लिए डेटा कीबोर्ड से रीड करना पॉसिबल हो हाउ मच एलिमेंट्स एन एलिमेंट्स. सिमिलरली सेकंड केस मैंने डिस्प्ले फंक्शन सेपरेटली क्रिएट किया. जब भी किसी प्लेस पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करें डिस्प्ले का वर्किंग क्या है जस्ट डिस्प्लेइंग एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे. ये एक्चुअल लॉजिक किसके अंदर मेन फंक्शन के पास. जस्ट इस केस में सिंपली मैलॉक फंक्शन को फॉलो करके क्रिएट किया होगा वन डायमेंशनल एरे. दिस इज द स्टैक एरिया दिस इज हीप एरिया. जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे सारे के सारे ऑटो और लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इनसाइड स्टैक. सेम अगर कोई मेमोरी स्पेस मैलॉक के थ्रू क्रिएट किया देन स्पेस एलोकेट होगा इनसाइड हीप मेमोरी. फर्स्ट वन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेन फंक्शन. जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन के अंदर एंटर हुआ देन मेन के रिस्पेक्ट में टोटल थ्री लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करोगे वेरिएबल आई वेरिएबल एन एंड वेरिएबल पी. इन थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट करने का जस्ट पर्पज क्या है. अगर आई के रिस्पेक्ट में बात करें तो आई का पर्पज क्या है जस्ट इटरेटिंग और एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एरे. अगर देखा जाए तो इस केस में आई की नीड कहीं मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी आई की नीड नहीं किया क्योंकि रीड और डिस्प्ले कराने के लिए मैंने सेपरेटली लॉजिक्स पार्ट किया इसलिए वेरिएबल आई को मैं इस प्लेस से रिमूव करूँ. देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिंग लोकल वेरिएबल आई. तो इस केस में फाइनली टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे ओनली एन एंड P, variable n and variable p regarding main function. Clear? Next one. Message display का ports के through enter size. Means इस case में size किसके enter करना number of required elements. Means इस case में n के through manage करें number of elements. इस case मैंने enter किया size as 5. तो 5 finally scanf के through assign किस में जाएगा? एड्रेस ऑफ एन. एन का एड्रेस क्या है 1010 स्पेस पर स्टोर क्या हो जाएगा जस्ट वैल्यू एज 5. फाइनल इस केस में जो भी आप एरे क्रिएट करने वाले उस एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मैनेज करें एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स. क्लियर. नेक्स्ट वन सेकेंड केस में जस्ट नेक्स्ट केस में कॉल किया रहा मैलॉक फंक्शन. मैलॉक के अंदर एन के प्लेस में पास होगा 5 एंड साइज ऑफ इंटीजर 16 बिट. सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग इंटीजर का साइज करने होगा जस्ट 2. फाइनल इस केस में मैलॉक के अंदर पास कर रहा 10. मैलॉक फंक्शन इमीडिएटली हीप मेमोरी के अंदर 10 बाइट का ब्लॉक क्रिएट करेगा. इस केस में टोटल बाइट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑलरेडी मैंने इस डायग्राम को क्रिएट कर रखा है. यानी इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या 100, फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या 100, नेक्स्ट बाइट का 101 एंड सो ऑन. ठीक है जैसे इस केस में मिस मेलॉक से रिटर्न किया हुआ एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस विच इज 100 देन एड्रेस टाइप कास्ट किस में हो रहा है इंटीजर में देन आसान किस में होगा इंटीजर पॉइंटर पी. अकॉर्डिंग टू इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर एट ए टाइम कितने बाइट्स पॉइंट करेगा जस्ट 2 बाइट्स. मिस इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग लॉजिकली ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स कितने बाइट्स में डिवाइड होंगे 2 बाइट्स के ब्लॉक्स के फॉर्म में. क्लियर. मिस एक सिंगल एलिमेंट को आप कंसिडर करोगे 2 बाइट ब्लॉक. टोटल 2 बाइट्स के कितने ब्लॉक्स डिवाइड हो रहा है 5 ब्लॉक्स प्लस इन 5 ब्लॉक्स को कंसीडर करेंगे जब 5 इंटीजर एलिमेंट. पॉइंटर के रिस्पेक्ट में जिस प्लेस का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर होता है उस प्लेस का लॉजिकल नेम क्या क्रिएट होता है जस्ट स्टार पी. तो इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा जस्ट स्टार पी. जनरली अगर इस ब्लॉक का बेस एड्रेस की बात करें बेस एड्रेस क्या 100 तो 100 कंप्लीट ब्लॉक का भी एड्रेस हो सकता है 100 फर्स्ट 2 बाइट का भी एड्रेस हो सकता है फर्स्ट 4 बाइट का भी एड्रेस पॉसिबल. सेम इज सेकंड ब्लॉक का बेस एड्रेस 102 सो रहा है इसलिए इसको नेम दे सकते हैं स्टार 102 स्टार 104 स्टार 106 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टी. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस है ना देन उसको नेम दे सकते हैं स्टार एन. लेकिन ये 22 बाई स्टार एन 22 बाइट्स के ब्लॉक को तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर ये एन और एड्रेस किसी इंटीजर पॉइंटर के थ्रू रिप्लेस हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट वन फाइनली एड्रेस पी में आसान हुआ तो पी के अकॉर्डिंग इस लोकेशन को नेम आसान हो सकता है जा स्टार पी. वन मोर नेम इसको प्रोवाइड कर सकता है जा पी ऑफ 0. सेकंड ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा या सेकंड एलिमेंट का नेम क्या हो पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3
एंड p ऑफ 4 सेम एज अगर ये एड्रेस 100 a में स्टोर है इसका नेम क्या है a0 a1 a2 a3 a4 लाइक दैट क्लियर मींस अगर मींस सिंपली प्रॉपर्टीज किसके हैं सम मींस एग्जैक्टली सेम एज एरे और पॉइंटर्स अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको पहले एरे और पॉइंटर कंप्लीट करना चाहिए ना आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस इजीली सॉल्व पॉसिबल मींस यहां डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस कोई ट्रिकी केस नहीं ट्रिकी केस क्या है अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एरे एंड पॉइंटर्स क्लियर नेक्स्ट वन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था अगर आपके पास कोई ब्लॉक ऑफ एरे है इसको पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है नेक्स्ट केस इनिशियली जब ये ब्लॉक क्रिएट होगा तो सभी प्लेसेस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे सम गार्बेज वैल्यूज क्लियर नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद इस प्लेस पर कॉल क्या हो रहा है रीड फंक्शन तो रीड के अंदर पी के प्लेस पर क्या पास होगा पी में क्या स्टोर है 100 एंड एन के प्लेस पर क्या पास होगा एन का वैल्यू एन में क्या स्टोर है जस्ट 5 मीन्स इस केस में 100 ऑन मीन्स जस्ट कॉल क्या हुआ रीड फंक्शन जब रीड फंक्शन कॉल होगा तो रीड के अंदर ए क्या है एरे डिक्लेरेशन लेकिन ये एरे डिक्लेरेशन कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर जस्ट स्टैक के टॉप में वन मोर फंक्शन लोड हो जाएगा कॉल्ड एज रीड रीड के केस में फर्स्ट वेरिएबल नेम क्या है ए और सेकेंड वेरिएबल नेम क्या है जस्ट एन तो ए के रिस्पेक्ट मत कर फर्स्ट केस में कैसा हो रहा है 100 ए में कैसा हो जाएगा 100 रियल में या ये फिजिकली आपको सो रहा है लाइक एरे एरे डिक्लेरेशन लेकिन रियल में कन्वर्ट किस हो जाए पॉइंटर डिक्लेरेशन ये क्या है इटसेल्फ आल्सो पॉइंटर वेरिएबल लाइक अ पी तो ए में 100 स्टोर हुआ तो ए भी किसको पॉइंट करेगा आल्सो सेम मेमोरी ब्लॉक वन मोर थिंग्स एन के केस में कैसा होगा जस्ट 5 तो ए के रिस्पेक्ट में अगेन इस लोकेशन के अदर नेम्स क्या क्रिएट होंगे ए जीरो और वी कैन से स्टार ए बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4 ए ऑफ आई एट एनी टाइम एग्जैक्टली सिमिलर किसके पी ऑफ आई रीजन चेक कर लो ए में भी कैश स्टोर है 100 और पी में भी कैश स्टोर है ऑल्सो 100 तो इसका जस्ट मीनिंग क्या हुआ लाइक दैट 100 ऑफ आई पी के प्लेस पर क्या आएगा ऑल्सो 100 ऑफ आई दोनों का मीनिंग कैसे सेम अरे ए ऑफ आई को स्टार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो क्या आएगा इसका मीनिंग स्टार ए प्लस आई ए के प्लेस पर क्या आएगा 100 प्लस आई के प्लेस पर आई दोनों की कन्वर्जन कैसे एग्जैक्टली सेम क्लियर दिस द वे इसलिए मैंने डायरेक्टली नेम असाइन किए हैं इसके कमिस जस्ट नेम क्रिएट किया सर सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स में पॉइंटर्स के केस में डिस्कस कर चुका हूँ नेक्स्ट वन फाइनली कॉल रीड फंक्शन के अकॉर्डिंग क्रिएट किया हुआ वन मोर लोकल वेरिएबल इज आई आई का जस्ट पर्पज क्या है इटरेटिंग एरे एलिमेंट्स तो आई के रिस्पेक्ट में लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा फ्रॉम 0 टू एन एन का वैल्यू क्या 5 फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा 0 तो स्पेस पर पास किया हुआ जस्ट ए ऑफ 0 एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 ए ऑफ 0 का एड्रेस क्या है 100 इनडायरेक्टली पास किया हुआ इस प्लेस पर जस्ट 100 पास होगा तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट एंटर करोगे आसान किस में हो जाएगा लोकेशन 100 मैंने एंटर किया 10 तो 100 लोकेशन आसान क्या हो जाएगा जस्ट 10 नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 तो स्पेस पर इंडेक्स क्या पास होगा आई प्लेस पर 1 ए ऑफ 1 एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 ए ऑफ 1 का एड्रेस क्या है 102 तो नेक्स्ट टाइम क्या पास होगा 102 नेक्स्ट टाइम एंटर किया 20 किस एड्रेस में आसान होगा 10 एंड सो ऑन मैंने एंटर किया टोटल 5 एलिमेंट्स ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा 5 टाइम्स क्योंकि एन का वैल्यू क्या है 5 0 टू 5 जैसे इस केस में आई का वैल्यू 5 हो जाएगा देन कंडीशन कम फॉल्स फॉल्स है देन इसके जस्ट बाद कंट्रोल का रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस रिटर्न बैक टू सेम प्लेस कॉलिंग प्लेस पर आए देन परफॉर्म किया जाए डी एलोकेशन 4 लोकल वेरिएबल ऑफ द रीड फंक्शन क्लियर लाइक दैट देन ये लोकेशन अभी भी पॉइंट किसके थ्रू हो रहा है ओनली पॉइंटर वेरिएबल पी विच इज क्रिएटेड इनसाइड मेन नेक्स्ट टाइम मेन फंक्शन के अंदर कॉल क्या होगा डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर पी के प्लेस पर क्या पास होगा 100 एन के प्लेस पर क्या पास होगा 5 अगेन कॉल क्या होगा डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर भी टोटल कितने वेरिएबल्स हैं ए एन आई ए एन आई तो अगेन ए में कैसा हो जाएगा 100 तो ए अगेन सेम लोकेशन को पॉइंट करें तो फिर से इस लोकेशन नेम्स क्या क्रिएट हो जाएंगे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री एन ए फोर फाइनली लूप 0 to 5 टाइम्स चलेगा एन के केस में क्या पास हुआ 5 फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हुआ जस्ट 0 नेक्स्ट टाइम जैसे लूप एग्जीक्यूट हो इसके थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं ऑल एरे एलिमेंट्स विच इज 10 20 30 40 एंड 50 इसके जस्ट बाद जैसे इस केस में आई का वैल्यू 5 हो जाएगा देन कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल का रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस देन फ्री फंक्शन के थ्रू जस्ट ए मेमोरी ब्लॉक इस ब्लॉक के लिए परफॉर्म क्या हो जाएगा जस्ट डी एलोकेशंस देन फाइनली आउटपुट क्या है 10 20 30 40 मीन्स इस केस में जस्ट क्रिएट किया हुआ एरे इस एरे को डायनेमिक एरे बोलना पॉसिबल बिकॉज
इस केस में एरे का सारे रन टाइम पर डिसाइड करना पॉसिबल। अगर आपने एन का वैल्यू 5 एंटर किया था ना, एलिमेंट्स के अंदर क्रिएट होंगे 5 एलिमेंट। अगर एन का वैल्यू 10 एंटर किया था ना एरे के अंदर, एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे ब्लॉक के अंदर 10 एलिमेंट्स। अगर एन का वैल्यू 100 है देन एरे के अंदर एलिमेंट्स भी कितने क्रिएट होंगे ऑल्सो 100 एलिमेंट्स। सेम एक बार आपने एरे क्रिएट कर लिया उसके जस्ट बाद अगेन इस एरे का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रियल ऑफ फंक्शन। क्लियर?